जनपद बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट शोपीस बना हुआ है। साल 2021 में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टेट बजट से 1,90,00,000 रुपए खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट लगवाया था, लेकिन प्लांट से वार्डो में पाइपलाइन कनेक्ट ना होने के कारण बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे जा रहे हैं। इमरजेंसी में भी प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त है लेकिन वार्डो में पाइपलाइन ना होने के कारण मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन 220 रुपए की दर से रोज 15 से 20 ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से खरीद रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्राचार्य मनोज कुमार ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट से आपूर्ति शुरू करने के लिए नए वार्डों में पाइपलाइन का काम होना है, जिस पर लगभग 13 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यूपीपीसीए ने उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को कार्य मिला है, लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हो पाया है, जिसके कारण ऑक्सीजन प्लांट से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। देखिए, जब ये प्लांट लगा था तो इसमें एक ऑप्शन होता है बूस्टर, जिससे कि हम सिलेंडर को रिफिल करा सकते थे। ये प्लांट उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन ने लगाया था, उन्होंने कहा था जब बूस्टर लग जाए उसे सिलेंडर रिफिल कर सकते हैं, लेकिन उनसे कई बार लिखा गया, उनका पैसा भी लगभग 25% रुका हुआ है, लेकिन वो बूस्टर नहीं लगाया तो सिलेंडर की रिफिलिंग नहीं हो पाई। दूसरी चीज, ये प्लांट लगा था जो नई बिल्डिंग इसके बगल में बनी है, उसमें सप्लाई के लिए, उसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन के लिए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड नामित हो गई, उनको पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है और विद इन 1-2 मंथ उन्होंने कहा हमसे इसमें गैस पाइपलाइन का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद इस प्लांट का पूरा यूज उपयोग में लाया जाएगा। करोड़ों रुपए की लागत से लगा यह ऑक्सीजन प्लांट महज शोपीस बनकर रह गया है। आपको बता दें कि महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ओपेक चिकित्सालय कैली में मरीजों की सहूलियत के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टेट बजट से 1,90,00,000 रुपए खर्च कर 1,000 एलएमपी का यह ऑक्सीजन प्लांट साल 2021 में लगाया था। 3 साल का समय बीत चुका है, साल 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह खराब है, ये ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट से और वार्डो में पाइपलाइन कनेक्ट न होने के कारण इसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है और मजबूरी में कॉलेज प्रशासन रोज बाहर से सिलेंडर खरीद रहा है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पाइपलाइन कनेक्ट ना होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पाइपलाइन बिछाने का कार्य, पाइपलाइन लगाने का कार्य यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को मिला है और जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सहयोगी मोहम्मद टीपू के साथ धर्मेंद्र द्विवेदी, रफ्तार मीडिया, बस्ती।